हेलो राधे कृष्ण। आज मैं मेरे वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे अपने माता पिता को सम्मान दें। इसलिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। माता पिता को सम्मान कैसे दें? आजकल बहुत से लोग मेरी उम्र के और मुझसे बड़े भी भूल गए हैं माता पिता का क्या अर्थ है। मुझसे जो कई बड़े लोग हैं और जो मेरे उम्र के हैं, वो लोग भूल चुके हैं कि भगवान ने माता पिता क्यों बनाए हैं। माता पिता भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वहीं आपको जन्म देते हैं। आपको जो आपके जो शरीर का कण कण है, वो सब माता पिता का ही है। आपके जो शरीर का एक एक कण है, वो सब माता पिता का ही है। बहुत से बच्चे अपने माता पिता को गाली भी बक देते हैं, और ज़्यादा तो अंग्रेजी गाली भी बक देते हैं और उन्हीं से जुबान लड़ाते हैं। आजकल बहुत से बच्चे मेरी उम्र के व मुझसे बड़े भी अपने माता पिता को गाली भी बक देते हैं और उन्हीं से जुबान भी लड़ाते हैं। ज़्यादा तो अंग्रेजी गाली भी बक देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ही बताऊंगा कि माता पिता भगवान के समान है। तो भगवान को गाली बकना व उनसे जुबान लड़ाना एक पाप के समान है। तो अगर आप माता पिता से जुबान लड़ाना व गाली बकना बकते हैं, तो वह भी एक पाप के समान होता है। आप लोगों को माता पिता की हर एक बात माननी व समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता बहुत परिश्रम कर रहे रहते हैं। दुनिया में आपको माता पिता ही एक ऐसे माता पिता ही हैं एक, जो आपको सही सलाह देंगे। और सही सलाह इसलिए देंगे क्योंकि वो बहुत परिश्रम कर रहे थे और आपको ठीक करने के लिए सलाह देंगे। अगर आप माता पिता की हमेशा बात मानेंगे, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। अगर आप अपने माता पिता की हमेशा बात मानते हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। एक सिर्फ माता पिता ही हैं जो आपको सही और गलत की सीख सिखाते हैं। आपके सिर्फ एक माता पिता ही होते हैं जो आपको सही और गलत की सीख सिखाते हैं। नहीं तो आपके दोस्त या रिश्तेदार कभी कोई काम नहीं आते, क्योंकि सामने वाला आपकी वाही वाही करके आगे बढ़ जाएगा। आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी और हैं, वो कोई काम नहीं आते, क्योंकि आपकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को वाही वाही करके वह आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको कोई चीज़ सलाह नहीं देंगे कि क्या है। लेकिन सिर्फ माता पिता ही हैं जो आपको सही और सही चीज़ की और गलत चीज़ की सीख सिखाते हैं। तो दुनिया में सिर्फ भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाया है माता पिता, जो आपको हर एक गलत चीज़ को ठीक करके बताते हैं। तो आपको उनको सम्मान देना चाहिए, आपको उनको सम्मान देना चाहिए, आपका फ़र्ज है। अगर माता पिता आपको पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं, आपको छोटे से बड़ा करते हैं, तो आपका क्या इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनको सम्मान दें? माता पिता आपको छोटे से बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपका क्या इतना फ़र्ज़ नहीं कि आप उनको सम्मान दें? आप लोग लेकिन उनको गाली बक देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। एक पाप के समान भी माना जाएगा इसको। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो सही सलाह देता है, वह सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही होते हैं। जो आपको सही सलाह देगा, वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही होते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो जो दे तुमको जन, उसी को आज धुतकारा। जिसने सिखाया तुमको, उसी को सिखाते आज। जिसने डांटा तुमको, उसी को डांटते आज। बात मान, हमेशा सफल रहेगा जीवन में हमेशा। तो ये मेरी कविता है, और जो मैंने लिखा है माता पिता के ऊपर, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। सो मेरा वीडियो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मेरी उम्र के मेरे साथ के जो बच्चों की आजकल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बड़ों से अलग सीखते हैं और छोटे से अलग। अपनी उम्र के बच्चों को देखकर और अपनी उम्र के फ्रेंड्स को देखकर वो अपन जल्दी बातें सीखते हैं, ना कि बड़ों से। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।